तो पिछले वीडियो में आपको मैंने पेज कंटेक्स्ट नाम का जो जेएसपी लाइब्रेरी क्लास है उसके बारे में बताया। तो यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि जो पेज कंटेक्स्ट है वो कैसा दिखाई देता है और उसके जो सारे मेथड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम लोग हमारे एप्लीकेशन का फोल्डर क्रिएट करते हैं हमारे वेब ऐप्स के अंदर, सपोज़ हमने यहाँ पर एप्लीकेशन फोल्डर क्रिएट किया, तो सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तब हम इस एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है, उसका नाम है web-inf। इस web-inf के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है, उसका नाम है क्लासेस, और क्लासेस के अंदर हो सकता है कोई सब फोल्डर हो, जो कि होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में हम क्रिएट करेंगे। हमने कहा मान लो हमारे पास कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर है और इसके अंदर हमने कोई सर्वलेट क्लास बनाया हुआ है, सर्वलेट क्लास, राइट। तो ये हमारा सर्वलेट क्लास हो गया। इनफैक्ट इस एप्लीकेशन के रूट में, हमारे पास एक जेएसपी पेज है और मान लो उसका नाम है index.jsp। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस पूरे एप्लीकेशन को के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। पर जब हमारा जो ये जो एप्लीकेशन है स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सर्वलेट कंटेक्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके राइट। नाउ इसके बाद यहाँ पर जब कोई रिक्वेस्ट रिसीव होगा, मान लो ये रिक्वेस्ट जो है वो हमारे index.jsp के लिए है। अगर ये रिक्वेस्ट index.jsp के लिए है तो इंडेक्स नाम का ये जो जेएसपी पेज है ये सबसे पहले तो ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट होने पर एक जावा फाइल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा index_jsp.java, ठीक है। और ये जेएसपी पेज जो है वो एक सर्वलेट में ट्रांसलेट हो जाएगा। सर्वलेट में ट्रांसलेशन होने के बाद ये जो पेज है ये कंपाइल हो जाएगा और ये सब लाइफ साइकिल का पार्ट है। तो index_jsp.class नाम का एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगा। देन उसके बाद ये जो index_jsp.class है ये लोड होगा, यानी कि हम बोलेंगे कि हमारे पास एक लाइब्रेरी क्लास क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा किसके लिए, index_jsp नाम के क्लास के लिए एक क्लास क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो क्लास क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मतलब क्लास लोड हो गया है। जब एक बार क्लास लोड हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि अब इस लाइब्रेरी इस क्लास का index_jsp.class का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे index_jsp का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये इंस्टेंसिएशन हो गया, उसके बाद आगे होगा इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन फेज में होता ये है कि ऑब्जेक्ट वही सेम है index_jsp का ऑब्जेक्ट, लेकिन वो एक फुल फ्लेज सर्वलेट में, रेडी स्टेट सर्वलेट में, रेडी टू सर्व सर्वलेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और हाँ, इस सर्वलेट ऑब्जेक्ट के पास ये वही सर्वलेट ऑब्जेक्ट है जो भी हमने इंस्टेंशिएट किया था, बस वो अब ट्रांसफॉर्म हो गया है। और हर एक सर्वलेट ऑब्जेक्ट के पास, तो हर एक सर्वलेट क्लास का एक ही सर्वलेट ऑब्जेक्ट बनता है और हर एक सर्वलेट ऑब्जेक्ट के पास एक सर्वलेट कन्फिग का ऑब्जेक्ट होता है। सर्वलेट कन्फिग नाम का जो इंटरफेस है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस टाइप का। इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस हमारे सर्वलेट के पास है, ठीक है। तो हर एक सर्वलेट क्लास का केवल एक ही सर्वलेट रेडी स्टेट ऑब्जेक्ट बनेगा, हर एक रेडी स्टेट ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक सर्वलेट कन्फिग ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर मान लो ये जो स्टेप्स हैं, हाँ, ये 1 ट्रांसलेशन, 2 कंपाइलेशन, 3 लोडिंग, 4 इंस्टेंसिएशन, 5 इनिशियलाइजेशन, और इस तरह से जो आपका जेएसपी पेज है वो एक रेडी स्टेट सर्वलेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। पर अभी जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट हमने रिसीव किया था, इस रिक्वेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक थ्रेड क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि क्लाइंट की हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड क्रिएट होता है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आया है, मान लो उसका नाम ए है,
ठीक है। तो ए नाम का जो हमारा रिक्वेस्ट है उसके लिए एक थ्रेड बन गया। साथ में यहाँ पर हर एक क्लाइंट की हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और दूसरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसके पास राइटर होता है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ राइटर ऑब्जेक्ट, राइटर, ठीक है, राइटर। तो राइटर का कोई भी सब क्लास ऐसा आप बोल सकते हो जैसे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो किसके लिए है, इंडेक्स पेज के लिए है। तो इंडेक्स पेज तो एक सर्वलेट है, ये तो सर्वलेट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो सबसे पहले हमारे इंडेक्स जेएसपी का कौन सा मेथड रन होगा, हमने कहा सर्विस मेथड रन होगा। और ये सर्विस मेथड को क्या क्या चाहिए, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमने इसको हैंडओवर कर दिया। सर्विस मेथड बोलता है कि आपको जो इंडेक्स अंडरस्कोर जेएसपी है, इंडेक्स जेएसपी है, उसका जो मेन मेथड है, जो कोर मेथड है, वो अब रन होगा। तो वो मेथड यहाँ पर स्टैकअप हो जाएगा, उस मेथड का नाम है अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है। ये भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैरामीटराइज्ड है, सेम वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है हमारे इस मेथड को पास हो जाएंगे। और इस तरह से हमारा अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड, जो कि हमारे जेएसपी पेज का सबसे मेन मेथड है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और उसका नाम है पेज कंटेक्स्ट, उसका नाम है पेज कंटेक्स्ट। पेज कंटेक्स्ट जो है वो जेएसपी लाइब्रेरी में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस क्लास का पैरेंट क्लास है जेएसपी कंटेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो पेज कंटेक्स्ट नाम का क्लास है उसका पैरेंट कौन है, जेएसपी कंटेक्स्ट, ठीक। नाउ हमारे पास पेज कंटेक्स्ट में बहुत तरह तरह के मेथड्स हैं, जो कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको लाइब्रेरी में दिखाया। तो पेज कंटेक्स्ट एक वन ऑफ द जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, और इनफैक्ट EL implicit object भी हमारे पास अवेलेबल है पेज कंटेक्स्ट नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेज कंटेक्स्ट है उसके पास सभी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है, सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है। जैसे पेज कंटेक्स्ट बोलता है मेरे पास जो आपकी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये पेज कंटेक्स्ट किस कब बनता है, तो ये पेज कंटेक्स्ट जेएसपी पेज के लिए क्रिएट हो रहा है। जब क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है, तो जब आपका अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस मेथड स्टैकअप हो जाएगा, तो उसके अंदर से पेज कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हर बार, हर रिक्वेस्ट पर जेएसपी पेज के लिए ऐसा होगा। तो उस पेज कंटेक्स्ट के पास उस करंट ऐप जो रिक्वेस्ट है, उसका जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, वो दोनों है। साथ में यहाँ पर उसके पास जो राइटर है, राइटर ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, ओके। और इन वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है आउट, इसका नाम है रिक्वेस्ट, और इसका नाम है नीचे वाले का नाम है रिस्पॉन्स। नाउ यहां पर और भी वेरिएबल्स हैं, जैसे यहां पर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हर एक जेएसपी पेज अल्टीमेटली एक सर्वलेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, और हर एक सर्वलेट का अपना एक सर्वलेट कन्फिग होता है, ठीक। तो ये जो सर्वलेट कन्फिग है, इसका रेफरेंस कोड भी इस पेज कंटेक्स्ट के पास होगा। तो हमारे इस जेएसपी पेज को की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए जो पेज कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना है, उसके पास इस जेएसपी पेज का जो कन्फिग है वो भी है। साथ में आपने देखा होगा कि जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है पेज। तो ये जो पेज नाम का जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ये जो रेडी स्टेट ट्रांसफॉर्म्ड सर्वलेट ऑब्जेक्ट है वो जाके स्टोर हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जेएसपी पेज के अंदर क्लाइंट का सेशन भी क्रिएट हो जाता है, राइट। तो जो क्लाइंट का सेशन है वो मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ये हमारा एचटीटीपी सेशन ऑब्जेक्ट है। तो ये जो एचटीटीपी सेशन ऑब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस कोड भी हमारे पेज कंटेक्स्ट के पास है। इनफैक्ट जो पूरे एंटायर एप्लीकेशन का जो सर्वलेट कंटेक्स्ट है, हमारे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो सर्वलेट कंटेक्स्ट है, उसका रेफरेंस कोड भी हमारे पास है। तो पेज कंटेक्स्ट बोलता है मेरे पास रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है और
सेशन है, एप्लीकेशन है, कन्फिग है, दिस है, राइट, और मेरे पास राइटर भी है। इस तरह से कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें से एक ये खुद है, पेज कंटेक्स्ट खुद एक 9th इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, राइट। और दूसरी बात ये है कि एक और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होता है, JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, तो उसका नाम है एक्सेप्शन, लेकिन वो कुछ डिफरेंट केसेस में हमारे JSP पेज में क्रिएट होता है, वो हमेशा क्रिएट नहीं होता है। तो टोटल हमारे पास 9 JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और उसके बाद सेशन, एप्लीकेशन, देन पेज, देन कन्फिग, पेज कंटेक्स्ट खुद, राइट, और राइटर, और एक्सेप्शन। तो जो एक्सेप्शन है वो तो खैर बहुत ही स्पेशल केस में JSP के अंदर क्रिएट होगा, जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसा जो पेज कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हुआ, और इसका रेफरेंस कोड जो है वो हमारे अंडरस्कोर JSP सर्विस मेथड में एक लोकल वेरिएबल पेज कंटेक्स्ट के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। पेज कंटेक्स्ट, हाँ, मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, पेज कंटेक्स्ट। तो ये एक JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, तो इस वेरिएबल के पास ये ऑब्जेक्ट है, और इससे गेट करके बाकी सारे वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे, जैसे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो पहले स्टार्ट हो गए थे, सेशन, एप्लीकेशन, कन्फिग, पेज आउट, इस तरह से ये सारे जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं इनिशियलाइज हो जाएंगे पेज कंटेक्स्ट से। तो ये जो पेज कंटेक्स्ट है इसे एक्सेस करने के लिए हमारे JSP में जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है उसका नाम है, हम यहाँ लिख देते हैं JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, तो इसका नाम है पेज कंटेक्स्ट। और जो हमारा EL इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम भी सेम पेज कंटेक्स्ट है, और ये दोनों JSP और EL इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट उसी पेज कंटेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है पेज कंटेक्स्ट, ये भी उसी JSP पेज कंटेक्स्ट की बात कर रहा है, और जो EL इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है ये भी इसी सेम पेज कंटेक्स्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं EL सिंटेक्स लिखूंगा तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, EL सिंटेक्स में मैं लिखूंगा पेज कंटेक्स्ट, पेज कंटेक्स्ट, और पेज कंटेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक बीन ऑब्जेक्ट को। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था यहाँ बहुत सारे गेटर मेथड्स हैं, ठीक है। तो हमने कहा गेट रिक्वेस्ट, गेट रिस्पॉन्स, गेट सर्व एट कंटेक्स्ट, गेट सर्व एट कन्फिग, गेट सेशन, गेट आउट, गेट पेज, गेट एक्सेप्शन, तो ऐसे करके यहाँ बहुत सारे गेट मेथड्स हैं। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक गेटर मेथड है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पेज कंटेक्स्ट डॉट पेज, पेज कंटेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट, पेज कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ पेज कंटेक्स्ट डॉट पेज। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूँगा, और इस तरह से इस बीन की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं, जिनके लिए हमारे पास प्रॉपर गेटर मेथड है उनको हम कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस EL सिंटेक्स को यूज़ करके दिखाऊंगा।